हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई इज हियर। और मौनी रॉय इच्छाधारी नागिन है, वरना ये तो प्लास्टिक सर्जरी से भी पॉसिबल नहीं है ना। पर सोचो आखिर क्यों लोग अपने शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जैसे कि यही देख लो, अब ये कौन है बे? श्रुति हसन जैसी क्यूट एक्ट्रेस को भी एक जमाने में लोग मर्दानी सूरत वाली बोला करते थे, और उससे परेशान होकर उसने इतनी सर्जरीज करवाई कि आज वो ये से ये बन गई। अब श्रुति हसन ने तो हमेशा अपनी प्लास्टिक सर्जरी को खुलेआम एक्सेप्ट किया है, पर हर कोई श्रुति हसन जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल, जानवी कपूर और उसकी बहन खुशी कपूर। इनकी तरह और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज हैं जिनकी ब्यूटी में प्लास्टिक सर्जरी का हाथ है, चलिए देखते हैं। नंबर वन, मौनी रॉय। तू चाहे किसी और को नहीं होना, नहीं होना। आप इसे पहचानो या ना पहचानो, ये वही है इच्छाधारी नागिन मौनी रॉय। नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और मौनी की ये फोटो गवाह है कि कैसे उसने अपने चेहरे को कटवा कटवा के फाइनल लुक पाया है। गौर से देख रहे हो ना, ये इंजेक्शन से फुलाए होठ, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट, नाक की प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स। पर ये तो शुरुआत है, उसने फेस अपलिफ्टमेंट और ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी भी की है। हालांकि उसने कभी इन बातों को खुलेआम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर ये प्लास्टिक सर्जरी का जादू नहीं तो क्या है जो वो आज भी इतनी यंग दिखती है। और जहां टीवी एक्टर्स का करियर इंडस्ट्री में आते ही खत्म हो जाता है, वहीं मौनी इंडस्ट्री में 20 साल बिता चुकी हैं। पर सास भी कभी बहू थी से लेकर देवों के देव महादेव तक और नागिन से लेके ब्रह्मास्त्र तक में कमाल धमाल एक्टिंग करने वाली ये एक्ट्रेस असल में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, क्योंकि वो अपने सिविल सर्वेंट पापा से इंस्पायर्ड थी। और मौनी का एक फन फैक्ट बताऊं, ये इतनी बार 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 यूएई जाती रहती हैं कि उन्होंने मौनी को गोल्डन वीजा तक दे डाला है। अब ये वहाँ शूटिंग करने जाती हैं या शॉपिंग, ये तो वो खुद ही जाने। नंबर टू, श्रुति हसन। मर्दाना चेहरा, अपनों से अलग, वेस्टर्न और शार्प फीचर वाला चेहरा। अगर ऐसी बातें किसी लड़की को सुननी पड़े तो उस पे क्या बीतेगी, उसका कॉन्फिडेंस छन से टूट जाएगा। और ऐसा ही हुआ था चाची 420 के हीरो की बेटी श्रुति हसन के साथ। उसके लुक्स की वजह से एक तरफ प्रोड्यूसर उसे फिल्म देने से इनकार कर रहे थे और दूसरी तरफ उसे प्लास्टिक सर्जरी करवा लेने की सलाह दे रहे थे। और एक दिन श्रुति के सहन शक्ति की सीमा पार हो गई और प्रेशर में आके उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। लेकिन हालात बदले नहीं, उल्टा लोगों ने उसकी लिप सर्जरी और नोज सर्जरी के बाद उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बात से फ्रस्ट्रेट होके उसने भी मीडिया के सामने प्लास्टिक सर्जरी की बात को मान लिया। I had all of those things and it was difficult and I have never lied about having plastic surgery. और कहा कि जो एक्ट्रेस ये कहती हैं कि उन्होंने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं की, वो सरासर झूठ बोलती हैं। और ये तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे आप अपने बालों को कलर करते हो, ब्लू लेंस लगाते हो और फेस ब्लीच करते हो, वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर थ्री, वाणी कपूर। इन फोटोज को देखो, इन्हें देख कर जरा भी ऐसा लग रहा है कि वजन कम करने की वजह से ये इधर से इधर आ पहुंची। पर इन्होंने तो अपने बदले हुए होलिये के लिए यही रीजन दिया है। बच्चा भी बता सकता है कि ये मोहतरमा अपने होलियों को ठीक करने के लिए चाकू की नोक से गुजर चुकी हैं और अपने जॉ लाइन, लिप्स और नोज की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। उड़े दिल बेफिक्रे करने वाली ये वाणी कपूर लोगों की बातों के मामले में भी बेफिक्र हैं। शायद ये इसलिए आए दिन कॉन्ट्रोवर्सीज के समंदर में गोते लगाती रहती हैं। एक बार ये राम नाम की कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसी थी, जहां इन्होंने राम के नाम का टॉप पहना था और लोगों के मुताबिक उसका साइज थोड़ा ज्यादा ही कम था। नंबर फोर, जानवी कपूर। माँ की मर्जी के खिलाफ बॉलीवुड में आई जानवी कपूर ने माँ जैसे एक्टिंग करियर को ही नहीं बल्कि उनके प्लास्टिक सर्जरी के शौक को भी आजमाया और इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज करा ली कि लोग तक बोलने लगे, जैसी माँ वैसी बेटी। बात तो सही है। चेहरे से चर्बी हटाई, नोज जॉब किया और लिप्स की सर्जरी भी की। हालांकि वो कितना भी इस चीज को मानने से हिचकिचाएं, पर जानवी स्टार किड्स होने की वजह से मीडिया के सामने ही पली बड़ी हैं, जिसकी वजह से वो पहले कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती हैं ये सबको पता है। जहां पे मम्मी और बड़ी बहन ने इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं, वहां पे छोटी बहन कैसे पीछे रहेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खुशी कपूर की, जिसकी कहानी कुछ अलग नहीं है, उल्टा वो तो ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में सबसे आगे है। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि खुशी की प्लास्टिक सर्जरी नहीं बल्कि पुनर्जन्म ही हुआ है। तू बहुत चेंज हो गई रे। नंबर फाइव, शिल्पा शेट्टी। एवरग्रीन एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के चाहने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है, पर इन साधु बाबा ने तो सारी हदें ही पार कर दी और सीधा शिल्पा शेट्टी को पप्पी दे डाली। अंजलि,
और शिल्पा को अपनी खूबसूरती के चक्कर में लेने के देने पहली बार नहीं पड़े। कुछ इसी तरह का सीन हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने सरेआम मीडिया के सामने शिल्पा शेट्टी की चुम्मी ले ली थी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर क्या आपको पता है ऐसी चुम्मेश्वरी पर्सनालिटी के पीछे का राज क्या है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। योगा, मेडिटेशन, हाँ ये सब तो है ही, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की वजह से भी वो आज खूबसूरती की मिसाल बनी है। और खबरों के मुताबिक उसने अपने बॉडी पे 4 प्लास्टिक सर्जरीज करवाई है, पर उसकी जो लचीली कमर है वो तो योगा की ही देन है। नंबर 6, कंगना रनौत। जहाँ एक ओर कंगना ने 2 करोड़ की फेयरनेस क्रीम की एडवर्टीजमेंट को ठुकराया, वहीं दूसरी ओर इस बॉलीवुड क्वीन ने अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी की छुरी चलवा ली है। ऐसा भी कहा जाता है कि सर्जरी के बाद उसका फेशियल फीचर एंजेलिना जॉली के चेहरे से मिलते जुलते हो गए। क्या है कुछ सिमिलर? खैर छोड़ो, इसका चेहरा एंजेलिना से मिले ना मिले, पर खुद के चेहरे से तो बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, राइट? ऐसा कहा जाता है कि कंगना ने राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी, लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी और चीक में से फैट निकाल के जॉलाइन शार्प करने की कोशिश की है। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? अब प्लास्टिक सर्जरी करना तो एक आम बात है, पर कंगना बिल्कुल आम नहीं है। वो इकलौती ऐसी हीरोइन है जिन्होंने अपने एक्टिंग के लिए 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं, पर ऐसा होने के बावजूद भी लोग उसकी ज्यादा इज्जत नहीं करते। जिसकी वजह है उसकी कंट्रोवर्सीज। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक दीदी ने सारे जगह पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं। नंबर 7, नरगिस फाखरी। इसको देख के कोई भी कहेगा कि इसकी उम्र 43 साल है। क्या बात कर रहा है? पर ये सच है, और ये कमाल है प्लास्टिक सर्जरी का। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी ने सिर्फ इसे यंग ही नहीं रखा, बल्कि इसकी बॉलीवुड में एंट्री तक करवा दी। दरअसल हुआ ये कि अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल शो हारने के बाद उसने नाक की और जॉलाइन की सर्जरी की थी, और फिर उसने रॉकस्टार जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी से डेब्यू किया, जिसने उसे काफी फेमस बना दिया। पर फेम अपने साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी लेके आती है। ऐसा ही कुछ हुआ नरगिस के साथ। दीपिका और रणवीर के ब्रेकअप के पीछे की वजह नरगिस है, ऐसी बातें मीडिया में फैल गयी। नंबर 8, सामंता किनेनी। ओ अंतावा मामा, ओ ओ अंतावा मामा करने वाली इंडिया में सेंसेशन बनी सामंता प्लास्टिक सर्जरी से पहले कुछ ऐसी दिखती थी। आंखों पे विश्वास नहीं होता ना कि किसी का इतना रूप परिवर्तन कैसे हो सकता है, पर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चाई है। और इसी चेहरे ने उसे सक्सेस के सारे आयाम पार करवाए, यहाँ तक कि टॉलीवुड की बिग बजट मूवी भी दिलाई। इसने अपनी एक्टिंग के दम पे 4 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड और 6 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जीते हैं। और उसके एक्टिंग करियर से जुड़ा एक फन फैक्ट ऐसा भी है कि उसने अपनी लाइफ का आधे दर्जन से ज्यादा फिल्में तो अपने पति और ससुर के साथ की हैं। नंबर 9, खान। बाद टब में बिना कपड़ों के नहाने का फोटो जब वायरल हुआ तो सारा की सब जगह से काफी आलोचना की गई थी। कई हिंदी सीरियल में देखी गई सारा खान सबसे ज्यादा फेमस तब हुई जब वो बिग बॉस शो में थी। वहाँ की गई उसकी उल्टी पुल्टी हरकतों की वजह से वो काफी चर्चा का विषय बन गई थी। पर हद तो तब हुई जब लोगों ने ये फोटो देखा। इस फोटो को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसके होठों को मधुमक्खी ने काट के सुझाया हो। ये तो टट्टी है। फैक्ट वाई को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा मासूम चेहरा बिगाड़ के अपना ऐसा हुलिया बनाने की सारा को क्या ही जरूरत थी। पर ये तो अपना अपना नजरिया है। मोहतरमा को तो अपने फूले हुए होट ही ज्यादा पसंद आए, और ऐसा उसने एक इंटरव्यू में भी बताया। पर्सनली व्हेन आई लुक एट मायसेल्फ आई लव इट, आई लाइक इट, दे लुक सेक्सी। नंबर 10, कोमल पांडे। कोमल पांडे इंस्टाग्राम की ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने अनरियलिस्टिक कपड़ों की वजह से काफी ट्रोल होती आई हैं, पर दूसरी तरफ उसकी फैशन सेंस की तारीफ करने वाले भी कई लोग हैं। किसी भी चीज को उठा के कपड़े बनाना कोमल दीदी का शौक है, और इसका बेहतरीन उदाहरण है ये कचरे की थैली से बनाया हुआ ड्रेस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पर इसकी लुक्स को कम मत आंकना, उसके फैशन की तरह ही उसके लुक्स की चर्चा भी काफी होती है। यहाँ पे 2018 और 2020 के फोटोज अगर आप देखोगे तो समझ आएगा कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी से दीदी ने अच्छे खासे चेहरे की वाट लगा ली है। इनके अलावा कोई ऐसा सेलिब्रिटी आपको पता हो जिन्होंने अपने चेहरे की बैंड बजवाई है तो फैक्ट भाई को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए फैक्ट भाई और एक वीडियो लेके आएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो बिना देरी के मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।